Like my video, subscribe to my channel and click on the bell icon for more delicious recipes updates. नमस्कार, A1 रेसिपी विद माधुरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उड़द का समा के चावल का ढोकला बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। उसके लिए सामग्री है, एक कटोरी चावल रात भर भिगो के रखा था, उसको साफ पानी से धो लिया है, एक उबला हुआ आलू, आधा चम्मच शक्कर, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच सेंधा नमक, इनो पाउच लिए, दो पोहे के चम्मच दही, चार पांच हरी मिर्च, पांच छः हरी कड़ी पत्ता, आधा कटोरी तेल। अब सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में। ये आलू डालना है इसमें और दो हरी मिर्च। आधा चम्मच नमक, ये आधा चम्मच शक्कर और ये दो चम्मच दही, इसे मैं मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसमें आधा कप हम पानी डालेंगे और उसका बारीक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। देखिए इस तरह से इसको पेस्ट बनाना है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखना है, इतना पतला चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्पॉन्जी नहीं बनेगा। इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तब तक हम गैस के ऊपर, ये कुकर में पानी रखा है एक डेढ़ ग्लास, इसमें हम ये जाली भी रख देंगे। ये पानी को उबाल आने देना है, उसके बाद हम ये पेस्ट डालेंगे। ये पानी उबल रहा है तब तक हम ये कंटेनर तैयार करते हैं, इसमें थोड़ा सा तेल लगाना है। इस तरह से सारी तरफ अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये ढोकला चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। ये तैयार करके रखा है। इसमें हम आधे से भी कम यूनो पाउच डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिलाना है, इसके सारे बबल अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम इसमें ये कंटेनर में डाल देते हैं पूरा घोल। इसको अच्छी तरह से थपथपाना है ताकि ये इसमें बबल्स ना रहे। अब ये पानी उबल चुका है, अब हम इसको ये कुकर में रख देते हैं। इसको हम 10-15 मिनट के लिए ढक देते हैं। इसको 10 मिनट हो गए हैं, गैस हमने बंद कर दी है और ढोकला भी अपना अच्छे से खुला है। इसको देखते हैं खोल के। इसको हम चक्कू की सहायता से देखते हैं। देखिए चक्कू बिल्कुल साफ निकला है, इसका मतलब ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुका है। जब तक ये ढोकला थोड़ा ठंडा होता है तब तक हम इसका तड़का तैयार करते हैं। इसमें हमने डेढ़ चम्मच तेल डाल दिया।
इसको गर्म होने देते हैं। ये तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। अब हम हरी मिर्ची डालते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच से कम। अब ये कड़ी पत्ता डालेंगे। इसमें हम हल्का सा आधा आधा कप पानी डाल देते हैं। अब ये ढोकला ठंडा हो चुका है, इसके हम पीस काट लेते हैं। अब ये जो तड़का है, अब इस पे ढोकले पे हम डाल देते हैं। हल्का हल्का सा सब तरफ से डालना है इसको। ये ढोकला अपना रेडी हो गया। इसको हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। ये समा के चावल का ढोकला व्रत के लिए तैयार है। इसे महाराष्ट्र में भगर के नाम से भी जाना जाता है। हम साबूदाने की खिचड़ी खाकर बोर हो जाते हैं तो नई डिश बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और 15 मिनट में ढोकला तैयार हो जाता है। ये बहुत स्पंजी और टेस्टी बना है। देखिए, ये बहुत स्पंजी और टेस्टी बना है। ये आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने परिवार को ज़रूर खिलाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।